उम्र कितनी थी आपकी बच्ची की? ऐसा 13-14 साल की है। 13-14 साल की बच्ची है आपकी। कहीं देखा सूट फिटिंग करवाने के लिए डाले आऊँगा कहते, जब से नहीं लौटी है। और वो लड़का है वो ले गया है शुभम, उसको बहला फुसला के घर से। तो शुभम नाम का लड़का है कहते, शुभम गुप्ता कहते, स्वागनगर सेक्टर 3 में रहता है। अच्छा अच्छा, लड़का लेकर चला गया, आपका कहना ये है? तो भी सोचो वगैरह कर लिया इसकी माँ ने, और इसने कहते लड़की की माँ ने और लड़के ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, जिस लड़की की तस्वीर मेरे हाथ में है, आपकी जो स्क्रीन पर ये तस्वीर चल रही है, और ये जो लोग बैठे हुए हैं ये लड़की के माँ बाप हैं। ये लड़की 13 से 14 साल की थी। लगभग पाँच बजे के टाइम, शाम को 5 बजे घर से निकलती है और ये जाती है कपड़े सिलने के लिए देने के लिए, लेकिन उसके बाद ये गायब हो जाती है। गायब होने के बाद माँ बापों को शाम के टाइम पता चलती है, जब बच्ची वापस नहीं आती, थाने में जाते हैं, थाने में जाकर पूछ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक लड़का भी यहाँ से गायब है, जिससे उसकी अक्सर बात वगैरह होने की पता चली थी। वो लड़का भी यहाँ पर नहीं होता है, लड़के के घर पर जाया जाता है, लेकिन लड़के के घर से भी कुछ पता नहीं चलता, वो लोग इनको भगा देते हैं। और इस टाइम पर 2 महीने होने वाले हैं, 2 महीने में सिर्फ कितने दिन बाकी होंगे? 2 महीने से ऊपर होगा, 4-5 दिन ऊपर होगा। 2 महीने से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन लड़की की कोई पता नहीं है, पुलिस ने भी कोई सुनवाई नहीं करी। और ये एक फैमिली है, जो छोटी फैमिली है, बस माँ बाप और 3। घर पे कितने लोग हैं आपके? 5 लोग हैं इस फैमिली में। 5 लोगों की फैमिली थी। बच्ची आपकी सबसे बड़ी थी, 13 साल की। 13 साल की बच्ची इनकी सबसे बड़ी थी, लेकिन अब बच्ची घर पर नहीं है। माँ बाप का बहुत बुरा हाल है, बहुत उदास, खाना पीना भी शायद इन्होंने नहीं खाया होगा, जिस तरीके से इनके चेहरे पर आप मायूसी देख सकते हैं अपनी बच्ची के जाने के बाद। लेकिन अगर बच्ची किसी के साथ गई है तो बच्ची को अपने माँ बाप की, अपनी फैमिली की कोई परवाह नहीं है। अगर वो देख रही है इन लोगों को, तो इन लोगों के लिए आए और वापस आकर इनके साथ रहे, क्योंकि ये लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे ना ही। अगर बच्ची आ जाती है आपके पास, हमें कुछ नहीं कहना, वैसे भी कुछ नहीं कहते थे हम लोग, क्या कहते हैं? इनका कहना ये है कि वैसे भी अपनी बच्ची से ये कुछ भी नहीं कहते थे। क्या करते हैं वैसे आप? मैं पेंट्री का काम करता हूँ। पेंट्री का? जब से आप काम पर गए हैं क्या? जब से काम पर भी नहीं गए आप? नहीं गए हैं। और घर पर मातम जैसा हाल है, क्योंकि घर की बड़ी लड़की गायब है और उसको कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। और उसके हाथ पर नाम लिखा हुआ है, बता रही है उसकी माँ, रेशमा। अच्छा, रेशमा नाम लिखा हुआ, लड़की का नाम रेशमा है। तो देख सकते हैं ये है लड़की की तस्वीर। और भी तस्वीरें आपके पास? यही है। तो अगर आप कहीं पर भी इस लड़की को देखते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में SMS कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं। आप अगर इनकी कोई हेल्प करना चाहें तो हेल्प भी कर सकते हैं।